बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जिस तरह मेरे दोस्तों ने जिक्र किया सर, सबसे पहले तो बात यह है कि बलूचिस्तान में बिजली की सूरतयाल भी आपके सामने है, बलूचिस्तान में इंटरनेट की कनेक्टिविटी की सूरतयाल भी आपके सामने है। बलूचिस्तान के 33 के करीब अजला में से तकरीबन इस वक्त 9 अजला में तो बिल्कुल ही इंटरनेट या 3G वगैरह पे पाबंदी है। G3 बहुत है, 3G नहीं है। जो तो हमारे जो नौजवान हैं, कोरोना के बायस तालीम के हवाले से एक बहुत बड़ा जो मसला दरपेश आया, हम इसीलिए हमेशा कहते थे, आपको याद हो गया पहले दिन के असम्बली के इजलास में हम आए, हमने कहा पैसे जो हैं बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान के वसाइल हैं, वो बलूचिस्तान में तालीम पे, टेक्नोलॉजी पे, एडवांसमेंट पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, ताकि दुनिया के जो है दीगर कौमों के बराबर हम आ सकें। और इसका अंदाज़ा हमें हो गया कि जब ये कोरोना आया तो हमारे यहाँ कनेक्टिविटी की ये सूरत हाल है कि हम अपने बच्चों को कहते हैं घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस लें, जब वो अगर किसी के पास है सहूलत, नेट है तो बिजली नहीं है, बिजली है तो नेट नहीं है। दूसरी बात ये है कि लोगों के पास इतने जो गैजेट्स हैं या मोबाइल फ़ोन हैं, ये गरीब बच्चों के पास अवेलेबल नहीं है। और उसके ऊपर मतलब पूरे पाकिस्तान में यकसां पॉलिसी जब बनाई जाती है उसका इतलाक़ बलूचिस्तान पे हो ही नहीं सकता। बलूचिस्तान के ज़मीनी अकायक पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ हैं, गुरबत के अतबार से, टेक्नोलॉजी के हवाले से। कैस्को अभी मैं क्वेटा में, मैं खुद जब बैठता हूँ रात को काम करता हूँ, 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग होती है। हम क्वेटा में बैठ के मैं इंटरनेट पे अपना काम नहीं कर सकता इतनी सहूलियात के बावजूद। तो आप अंदाज़ा करें कि एक आम बच्चा, एक आम नौजवान, एक आम बच्ची और हमारी बेटी, वो कैसे बलूचिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदा ले। हुकूमत बलूचिस्तान को HEC के साथ इस मसले को संजीदा बुनियादों पर देखना चाहिए। हुकूमत बलूचिस्तान को इस पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। हुकूमत बलूचिस्तान को तमाम कॉलेजेस को स्पेशल पैकेजेस देने चाहिए थे, इमरजेंसी बेसिस पे पैसे रिलीज किए जाने चाहिए थे। अगर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, तमाम बच्चों को, जिस तरह अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से या 70 करोड़ 80 करोड़ पर राशन की मद में दे सकते हैं, हम बच्चों को कहते वो अपने फ़ोन नंबर भेजते, आप उनको 5 से 10 हज़ार का ऑनलाइन पैकेज भेज देते। पॉसिबिलिटीज़ हैं, खुदा ने बहुत कुछ दिया है बलूचिस्तान को, हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। कभी मिल बैठते नहीं हैं, कभी इन चीज़ों पे बात नहीं करती। रही BMC की बात मलिक नसीर साहब ने आपके साथ की, सर हमारे लिए अफसोस का मुकाम है कि इस ईवान में BMC के असातज़ा, BMC के स्टूडेंट्स के साथ हमने ये वादा किया कि 1 से 1.5 महीने में आपका अमेंडमेंट बिल यहाँ पर आ जाएगा। जो भी इश्यूज हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एडमिट किया, हमारे दोस्तों ने एडमिट किया, आज फिर 7 महीने गुजर गए, लोग इस दरवाजे पे बार बार आके कटकटाते हैं। ये अदल व इंसाफ का दरवाज़ा मजाक बन गया है। इसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चे आते हैं, उठा के ले जाओ उनको। BMC पे आए हैं, मलिक नसीर साहब ने कहा भूखे हैं, प्यासे बैठे हैं, उनको आप पूछते नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से कोई बच्चे जो यहाँ पे जो उनके साथ साथ एहतजाज कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में हमारी जिम्मेदारी है कोई इनसे बात करे, कोई तरीका निकाले। हम उनको इंसेंटिव दे सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने 30 से 35 अरब रुपए हमारे जो है अड़प कर लिए, NFC के नहीं दे रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी भी हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं, हम हाथ जोड़ते हैं आपके साथ कि हम वो पैसा आपको वापस दिला सकते हैं। ये पैसा 30 से 35 अरब रुपए इन प्राइवेट स्कूलों को जा सकता था, इन बच्चों की इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जा सकता था, ये BMC के मसाइल की तरफ जा सकता था। आप हमारे साथ कम अज़ कम बैठने के लिए आप अपोजिशन को मिलाएं अपने साथ, मोहतरम अराकीन असम्बली को मिलाएं, बच्चों को मिलाएं। ये हुकूमत का काम निगोसिएशन होता है, डिस्कशन होता है, डायलाग होता है। तो आपने सही कहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि खुदारा इन मामलात को इस तरह खराब होने नहीं दें। लोगों का एतमाद हुक्मरानी और इन इदारों से उठता जा रहा है, लोग असम्बलियों से एतमाद उठता जा रहा है, इसलिए लोग दोबारा मैदानों का और पहाड़ों का रुख करने लगे। जी शुक्रिया सर, थैंक यू जी।